हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज जो मेरी वीडियो है वो हमारी बेंगलोर की फर्स्ट ट्रिप पे हो रही है। है तो बेंगलोर में ही हो जाएगा, पर हाँ, कोई अगर बेंगलोर आता है तो वहाँ ज़रूर जाता है। और वो बेंगलोर मतलब हमारे एरिया से कुछ 60 किलोमीटर दूर पड़ती है, एयरपोर्ट के पास पड़ती है, तो लाइक 1.5-2 घंटे में पहुँच भी जाते हैं। तो अब मैं और मेरे हस्बैंड रेडी हो गए हैं और हम जा रहे हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा ये ट्रिप कैसा रहा। अरे 3:30 AM और हम वहाँ से निकल चुके थे और फिर हमने रास्ते में पेट्रोल भरवाया क्योंकि थोड़ा दूर था, हमें लग रहा था कि पेट्रोल फुल होना चाहिए। उसके बाद मैंने और उदय ने हमारे कज़न और उनके फ्रेंड्स वगैरह को पिक किया। ये हम पिक करते हुए हम फाइनली जा रहे हैं नंदी हिल्स। नंदी हिल्स जो है यहाँ से 65 किलोमीटर्स दूर है, टू बी वेरी एग्जैक्ट, एयरपोर्ट के पास पड़ता है और यूजुअली लोग जाते हैं। ये सनराइज़ के लिए बहुत फेमस है और यहाँ से ऊपर जाके पूरा बेंगलोर दिखता है। 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग है और बिल्कुल ग्रीनरी मतलब ट्रीज़ वगैरह के बीच में से होते हुए जाती है, आपको मैं वीडियोज़ में दिखाऊँगी। हम पहुँचे थे 6 AM, इसके गेट खुलते हैं, पार्किंग होती है। पार्किंग जो है इसकी हमसे 200 रुपीज़ लिए थे 6 जनों के, उन्होंने कार के हिसाब से नहीं लिया, ये लोगों के हिसाब से लेते हैं। तो ये रहा, हम वहाँ पहुँचे, बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम था वहाँ पे, तो अब जब भी जाएंगे तो विंटर्स के कपड़े पहन के जाना। तो ये लोग हम चल पड़े हैं और ये देखिए पार्किंग, मतलब सैटरडे के दिन इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, बाइक्स क्या कार्स क्या सारी ही चीज़ें थी। तो हम फिर वहाँ पहुँचे और रास्ता इसका ऐसे है, ट्रैक बहुत ही सुंदर था, ठंडा था, क्लियर हवा, एकदम पोल्यूशन फ्री हवा, और थक भी गए थे सुबह सुबह। तो ये जो है यहाँ से जो आपको हिल दिख रही है ऊपर चढ़ के थोड़ी सी ट्रैकिंग थी, फिर वहाँ से हमें पूरा व्यू दिखता है बेंगलोर का। और ये रहा सनराइज़, हमें लग रहा था कि शायद हम मिस कर रहे हैं, हो गया होगा सनराइज़, बट नहीं, लकीली हमें सनराइज़ देखने को मिल गया। मुझे पता नहीं मैंने कितना क्लियरली कैप्चर किया है, पर पूरी कोशिश करी थी और देखिए कितना सुंदर लग रहा है, इतनी अच्छी हवा चल रही थी वहाँ पे। और जैसे जैसे सनराइज़ होता जा रहा था, ऊपर होता जा रहा था, वैसे वैसे क्लियर होता जा रहा था और यहाँ पर पूरा बेंगलोर दिखता है। जो छोटी छोटी इसकी लेक्स हैं वो भी दिख रही थी। बहुत अच्छा वीकेंड स्पॉट है ये जाने के लिए। तो अगर आप कभी बेंगलोर आए हैं और आपको हिल्स देखनी है, बेंगलोर देखना है, एरियल व्यू, सनराइज़ देखना है, तो आप ज़रूर यहाँ पे आइए। कभी कभार यहाँ पे पूरा बादलों से भी घिरा होता है, हर तरफ क्लाउड्स होते हैं। अगर आप गूगल के पिक्चर्स देखेंगे तो आपको क्लाउड्स दिखेंगे। तो बहुत ही अच्छा स्पॉट था, बट यह है कि आपको वहाँ पर जल्दी पहुँचना पड़ेगा अगर आपको सनराइज़ मिस नहीं करना। तो 6 AM इसके गेट्स खुल जाते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग प्लान करिए कि आप कितनी दूर रहते हैं वहाँ से। रात को निकलते हैं तो इतना ट्रैफिक नहीं रहता, ये हमें वहीं जाके पता चला जब देखा कि टोटल 6 रिवर्स हैं जो वहाँ नंदी हिल से ओरिजिनेट होती हैं, निकलती हैं बेंगलोर के लिए। तो वहाँ पर मंदिर बना रखे थे उन्होंने, नंदी जी का भी, शिव जी के स्नेक का भी। तो हमने देखा वहाँ पे एक सरोवर भी बना हुआ था बीचों बीच, जहाँ पे लोग बैठ के सुबह सुबह फ़ोटो खिंचवा रहे थे। हमारा तो बिल्कुल मूड नहीं था इसलिए हम सुबह सुबह फ़ोटो नहीं खिंचवाई। सनराइज़ देख के, सारी चीज़ें देख के हम अराउंड 9:30 फ्री हो गए थे। और फिर उसके बाद हमने कहीं बाहर ढाबे ढूंढा खाना खाने के लिए, खाना वाना खा के हम फिर सबको ड्रॉप करते हुए अपने घर पहुँच गए थे। आप लोग भी ज़रूर प्लान करिएगा, 4:30 निकल के आप 10:30 घर पे पहुंच के दोबारा रेस्ट कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, और मैं और ऐसी वीडियोस आपके आगे लाती रहूँगी।